गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की भूगोल की बुक हमारा पर्यावरण का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पर्यावरण। यहाँ पर ऊपर जो ये जो बातें लिखी गई हैं, ये बच्चे जो हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये इतना विशेष नहीं है पढ़ने के लिए, ये आप स्वयं पढ़ लेना। हम जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो पढ़ेंगे इसमें। ऊपर जो बच्चों में वार्तालाप हुई है, आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तुएं, स्थान एवं प्रकृति को पर्यावरण कहा जाता है। देखो, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण का अगर हम संधि विच्छेद करें तो परि परस आवरण होता है, जिसका अर्थ है, परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण मीन्स ढका हुआ, जो हमें चारों ओर से ढके हुए है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। यह मानव निर्मित एवं प्राकृतिक घटनाओं का मिश्रण है, जो मनुष्य द्वारा की गई जो क्रियाकलाप हैं और जो प्राकृतिक है, प्रकृति है, उसके द्वारा जो भी घटनाएं की जाती हैं उनका ये मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां शामिल है, जबकि मानवीय पर्यावरण में देखो यहाँ पर जीवीय और अजीवीय दो अलग अलग बॉक्सों में बताया गया है। जीवे क्या होते हैं? सजीव प्राणियों का संसार। जीवे मतलब सजीव प्राणियों का संसार। सजीव प्राणी क्या होते हैं? जो जीवित हैं, जो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, घूमते फिरते हैं, जिनमें जीवन है, जैसे पादप एवं जंतु, पौधे और जंतु। अजीवीय क्या होते हैं? निर्जीव पदार्थों का संसार, मतलब जिनके अंदर जीवन नहीं होता, जैसे स्थल है या भूमि हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, इसमें भी इम्पोर्टेंट बात होती है, हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें पीने के लिए जल, सांस लेने के लिए हवा, खाने के लिए भोजन तथा रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। इस प्राकृतिक पर्यावरण में मानव कैसे परिवर्तन करता है? स्कूटर का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है और भूमि पर कारखाने बनाए जाते हैं। मानव मिल कार और कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस तरह से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। इस पूरे इस टेबल में क्या कहा गया है कि जो हमारा पर्यावरण है वो मनुष्य द्वारा कैसे कैसे प्रभावित होता है, इस बारे में इसमें समझाया गया है कि किस तरीके से मानव अपने क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण को प्रभावित करता है। अब ये कुछ फिगर दी गई है यहाँ पर, पर्यावरण के घटक जो हैं वो बताए गए हैं। यहाँ पर पर्यावरण के जो घटक बताए गए हैं, इसके दो मुख्य घटक होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक घटक में जैसे कि प्राकृतिक द्वारा जो बनाए गए हैं, जैसे कि जल मंडल है, वायुमंडल है और स्थल मंडल है, ठीक है, सजीव मंडल भी इसमें आता है। और मानव निर्मित में जो मनुष्य द्वारा बनाए गए, जैसे पार्क है, इमारतें हैं, पुल है, सड़क है, स्मारक है, उद्योग है, ये सब मानव द्वारा निर्मित है, और इन सब से मिलकर हमारा क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। ये हमारे चार और विद्यमान होते हैं। तीसरा आता है इसमें मानव। अब सबसे पहले एक मनुष्य के बारे में बताया जाता है, मनुष्य एक है, फिर एक से उसके बाद क्या बनता है? पूरा परिवार बनता है। परिवार से समुदाय का निर्माण होता है और कई परिवारों से समुदाय का निर्माण होता है। फिर ये जो समुदाय है अलग अलग धर्मों में बटा होता है, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग धर्म बताए गए हैं, विद्यालय का दृश्य दिखाया गया है, राजनीतिक स्थिति हमारी भारत के अंदर दर्शाई गई है, आर्थिक जो हमारी स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारी पर्यावरण के मुख्य घटक होते हैं। अब इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? एनवायरनमेंट, पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एनवायरनमेंट बोला जाता है। एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द नेर या एनवायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। पर्यावरण का अर्थ क्या बताया गया है? पड़ोस।
अपने आसपास के स्थल को देखें और आपके पड़ोस में भूमि का इस्तेमाल किस किस तरह से हो रहा है उसकी सूची बनाएं। हमें ये देखना है कि हमारे आसपास जो भी घर है और उनके पास जो ज़मीन है उसका प्रयोग हम किस किस तरीके से करते हैं, या जो बाकी जो लोग हैं वो किस किस रूप में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि ज़मीन का कहीं पर स्कूल होते हैं, कहीं पर खेल का मैदान होता है, कोई किसी भूमि को अस्पताल या हॉस्पिटल वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है आदि। मानव की गतिविधियाँ, उनकी परस्पर क्रियाएँ एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएँ शामिल हैं। जल, वायु, भूमि, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अब देखो, जो पर्यावरण है उसका निर्माण करने में कौन कौन अपनी सहायता कर सहयोग देता है? जल, वायु, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर सब पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आओ अब हम इनके बारे में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस पर पट्टी अथवा कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो अलग अलग लेयर्स में बटी हुई है, उसकी जो सबसे ऊपरी परत जो होती है उसे परपट्टी बोला जाता है और उसको स्थल मंडल कहते हैं, जिस पर हम रहते हैं। यह खनिजों एवं चट्टानों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, मैदान, पठार, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें कृषि, वन एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को, आगे हम नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं अपना, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का ही एक स्रोत है। जल के अक्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। अब पहले हमने स्थलमंडल के बारे में पढ़ा है, जो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसको स्थलमंडल कहते हैं, जिस पर हम रहते हैं। उसके बाद नंबर आता है हमारा जलमंडल का। जल के अक्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, समुद्र, झील, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब सभी जो जीव हैं उनके लिए जो जलमंडल है बहुत ज़रूरी है। यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। अब जलमंडल के बाद हमारा नंबर आता है वायुमंडल का। जो पृथ्वी के चारों ओर पतली सी जो वायु की परत फैली हुई है उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों तरफ के वायुमंडल को थामे रखता है। देखो, जो पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल की जो परत बनी हुई है वो किसके किस कारण है? वो चारों तरफ फैलती क्यों नहीं है? पृथ्वी के चारों ओर ही क्यों एक कंबल की तरह लिपटी हुई क्यों है? इसका कारण है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, या ग्रेविटी फोर्स कह सकते हैं इसको। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इस वायुमंडल को अपनी ओर आकर्षित करता है, या खींचे रखता है, थाम के रखता है। यह सूर्य की भीषण गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। क्या हमारा जो वायुमंडल है वो सूर्य की जो हानिकारक जो किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, जलवाष्प एवं धूल कण उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल, ये बात तो हम सबको पता है कि जो वायुमंडल है उसका निर्माण बहुत सारी गैसों से हुआ है, ठीक है। तो इसमें धूल कण और अन्य कई गैसों का मिश्रण है वायुमंडल। वायुमंडल में परिवर्तन होने से वायुमंडल में परिवर्तन होने से जलवायु एवं मौसम में परिवर्तन होता है। मतलब हमारे जो मौसम में जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी घटनाएं होती है, वो वायुमंडल के कारण होती है। जीव जंतु एवं पादप मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। अब वायुमंडल के बाद हमारा आता है जैव मंडल। मतलब क्या है? इसमें जीव जंतु, पौधे सब मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जल, स्थल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। मतलब जो जैव मंडल है इसमें जो हमारे बाकी जो मंडल जैसे जल मंडल है, स्थल मंडल है और वायुमंडल है, ये सब मिलकर इस जैव मंडल में जीवन को संभव बनाते हैं। अगला हमारा आता है परितंत्र क्या है।
रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, इसमें इससे मुझे अपना केरल याद आ रहा है आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे नारियल के बागानों एवं हरे भरे खेतों में लगातार वर्षा होती रहती है। तभी जैसलमेर निवासी हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ बारिश होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल रेत एवं कीकर ही नज़र आती हैं, परंतु वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलते हैं, मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें छिपकली, सांप एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। अलग अलग स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति तथा, अब देखो एक बार इसको इतने पे रोक के हम एक बार ये फिगर जो है यहाँ पर हम इसके बारे में समझेंगे। ये हमारा वायुमंडल के बारे में पूरा बताया गया है। सबसे पहले हमारा क्या आता है, स्थलमंडल आता है। स्थलमंडल जहाँ पर ये जो बसेस वगैरह जो चल रही हैं, घर बने हुए, ये हमारा स्थलमंडल में आता है सारा। उसके बाद है जलमंडल, जितने भी पानी के स्रोत होते हैं वो जलमंडल में आते हैं। उसके बाद ऊपर जो दिखाया गया है जैवमंडल दिखाया गया है, जो जलमंडल वायुमंडल स्थलमंडल की सहायता से ही इस मंडल का निर्माण होता है। और सबसे ऊपर आता है हमारा वायुमंडल, ठीक है। अब यहाँ पर टेबल में कुछ दिया गया है, देखो पढ़ते हैं। अपने स्कूल एवं घर में आप जो पानी इस्तेमाल करते हैं वह कहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाएं। क्या आपने किसी को पानी का दुरुपयोग करते देखा है, तो कैसे। ये सब एक्टिविटी आप अपने घर पर या आप अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हैं या इन पर चर्चा करें। स्कूल जाते समय आकाश को देखें, ध्यान दें कि दिन कैसा है, आसमान में बादल हैं, वर्षा हो रही है, तेज़ धूप है या कोहरा इत्यादि है। अब परितंत्र के बारे में बताया गया है। देखो, परितंत्र वह तंत्र जिसमें सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं। यह सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव होता है। देखो, जो परितंत्र है उसका निर्माण किसके कारण हुआ है, किसके द्वारा हुआ है। जितने भी जो जीवधारी हैं वो सब एक दूसरे पर आत्मनिर्भर होते हैं। जैसे पौधे हैं वो मनुष्य या और जो जानवर हैं उन पर निर्भर होते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, क्योंकि पौधे जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और जो मनुष्य और जो जानवर है वो पौधों पर अपने भोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए निर्भर हैं, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाता है, हमारा परितंत्र कहलाता है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए, लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं, क्या सभी एक दूसरे के साथ संबंध हैं या संबंधित हैं। हाँ, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्राय वे एक दूसरे पर भी निर्भर हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के मध्य का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, रेगिस्तान, घास स्थल, पर्वत, नदी, झील, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके सहपाठी खेलते थे वह भी एक परितंत्र बनाता था। देखो, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, हर वर्ष 5 जून को, ठीक है। मानवीय पर्यावरण, अब देखो मानवीय पर्यावरण के बारे में हम पढ़ेंगे। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाएँ करता है और उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है आदि।
आदि मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था और आसपास के प्रकृति से उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। देखो आदि मानव क्या है, जो प्राचीन जो मनुष्य था या हमारा जो हमारे जीवन से पहले का जो मनुष्य का जो जीवन था उसके बारे में बताया गया, उसे आदि मानव कहा गया है। प्रारंभ में जो मनुष्य होते थे वो प्रकृति पर ज़्यादा निर्भर रहते थे। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के अनेक तरीके सीख लिए। उसने पशु पालना, फसल उगाना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, जरूरत से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। अब देखो ये जो वस्तु विनिमय पद्धति है इसका क्या अर्थ होता है। पहले जो है या अब भी कहीं अनेक ऐसे गांव मिल जाएंगे जहां पर वस्तु विनिमय पद्धति का प्रयोग किया गया है होता है। पहले लोग पैसे का इतना प्रयोग नहीं करते थे किसी भी वस्तु को ख़रीदने के लिए, वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती थी। जैसे कि अगर हमें कोई भी पहले सब्ज़ी या कुछ भी चीज़ खरीदते थे लोग, तो उसके बदले में वो सब्ज़ी वाले को अन्न वगैरह देते थे। मतलब हुआ वस्तु के बदले में वस्तु देना वस्तु विनिमय पद्धति कहलाता है। व्यापार शुरू हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। उद्योग क्रांति से वृहद पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। वाणिज्य यहाँ उद्योगों के बारे में कहा गया है। उद्योग क्रांति का विकास हुआ। परिवहन तीव्र गति से प्रारंभ हुआ। परिवहन ये जो गाड़ियाँ वगैरह इनका ज़्यादा विकास होने लगा और इनकी जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ने लगी। सूचना क्रांति से संपूर्ण विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। द्रुत का मतलब होता है बहुत तेज़ हो गया। क्या आपको पता है कि आप गर्मी में रसीले तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? मानवीय एवं प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य सही संतुलन होना आवश्यक है। मनुष्यों को पर्यावरण के साथ समरसता में रहने एवं उसका प्रयोग सीखना चाहिए। देखो हम जो है हमेशा पर्यावरण या हमारा जो मौसम है उसके अनुसार ही कपड़े पहनते हैं, उसी के अनुसार ही खाना खाते हैं। जैसे कि सर्दियों के मौसम में हम गर्म चीज़ खाना पसंद करते हैं और गर्मियों में हम ठंडे जो पेय पदार्थ हैं उनको ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। ठीक है, रवि की कक्षा में मिजोरम की नूरी नाम की एक लड़की है। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी विद्यार्थियों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों का भ्रमण करें वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। अब हमारे नीचे जो है ये अभ्यास के क्वेश्चन आंसर आते हैं, ध्यान से देखें। परितंत्र हमने पीछे पढ़ा है। परितंत्र क्या है? परितंत्र से अभिप्राय उस तंत्र से है जिसमें इस पृथ्वी के समस्त जीव जंतु पेड़ पौधे आदि यहाँ उपलब्ध भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ये सभी क्रियाएं ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। हमने पीछे एक टेबल में पढ़ा था परितंत्र के बारे में, वही इस क्वेश्चन में सेम दिया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? अब देखो प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मतलब ये जो सब चीज़ें हैं ये किसका निर्माण करती हैं? प्राकृतिक पर्यावरण का। अन्य शब्दों में वे सब चीज़ें जो हम प्राकृतिक रूप से प्रकृति से प्राप्त करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मतलब जो प्रकृति ने हमें दिया है उन सब चीज़ों से ही हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द, ये हमने बिल्कुल पीछे अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है जिसका अभिप्राय है पड़ोस। इस परिभाषा के आधार पर जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, वस्तु आदि को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है। अतः पर्यावरण के घटक निम्नलिखित हैं, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। जो पीछे जो फिगर दी गई थी मैंने उसके माध्यम से भी आपको समझाया था प्रकृति ये जो पर्यावरण के घटक हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
मानव क्रियाएं, ये तीसरा पॉइंट है उसका, मानव क्रियाएं उनकी गतिविधियां। मानव निर्मित पर्यावरण के चार उदाहरण दीजिए। मानव निर्मित पर्यावरण के चार उदाहरण निम्नलिखित हैं, पुल, पार्क, इमारतें तथा सड़कें। ये भी उस फिगर के अंदर दिया गया था। स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल देखो, पृथ्वी की ऊपरी या ठोस पर पट्टी को स्थल मंडल कहा जाता है। इसका निर्माण चट्टानों एवं खनिजों से होता है। इसमें पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृतियों के धरातल को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आगे जो है, जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक क्या हैं? जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक क्या हैं? देखिए, जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक हैं जीव जंतु तथा पादप। जैव मंडल क्या है? ये भी हमने पीछे पढ़ा है अभी पाठ में। जैव मंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन योग्य परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जैव मंडल जो है क्या है, इसके अंदर जो जितने भी सजीव प्राणी हैं वो सब इसके अंदर आते हैं और वो सब मिलकर, और या पेड़ पौधे सब मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। अब ये हमारे जो हैं बहुविकल्पीय प्रश्न आ गए हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा ताल। देखो, मरुस्थल जो है वो भी प्राकृतिक होता है, वन भी प्राकृतिक होता है, लेकिन ताल प्राकृतिक नहीं होता। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? स्थल। देखो, जो धर्म है उसका भी जो निर्धारण है मनुष्य ने किया है, समुदाय भी मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन जो स्थल है वो प्राकृतिक है, प्राकृतिक है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? सड़क जो है वो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? जनसंख्या वृद्धि। आप सबको पता है कि जनसंख्या वृद्धि जो हो पर्यावरण के लिए खतरा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ही ज़्यादा उनकी मांग बढ़ेगी, और अगर उनकी मांग की पूर्ति नहीं होगी या वो जितनी भी चीज़ों का ज़्यादा उत्पाद करेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण को उतना ज़्यादा नुकसान होगा। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। अब ये यहाँ पर दिए गए हैं, आप सब इनको पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, और ये कारण बताओ, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।